Welcome to my channel. चलिए आज बनाते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली पनीर चिंगारी। तो यहाँ पर हमने 250 ग्राम्स पनीर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं पनीर को हमने कट कर लिया है। थोड़ी सी पनीर को हमें मैश कर लेना है। तो आप देख सकते हैं पनीर को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है। इसको हम जार के अंदर डाल देते हैं। साथ में डालेंगे थोड़ा सा दूध और इसकी हम ग्रेवी बना लेंगे। तो इसके अंदर हमें अलग से कोई भी ग्रेवी नहीं बनानी पड़ती। टमाटर या प्याज कुछ भी हमें पीसना नहीं पड़ता और बहुत ही जल्दी सब्ज़ी बन जाती है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। तो हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया है। हमारा तेल भी गरम हो चुका है। इसके अंदर डाल देते हैं आधा छोटा चम्मच तक जीरा। तो जीरा थोड़ा सा चटक जाएगा। इसके बाद हम डाल देंगे दो बारीक कटी हुई प्याज। अभी इसको हम थोड़ी देर चला लेते हैं, हल्का सा भुनना है, बहुत ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना है इसको। प्याज को थोड़ा सा हमने भून लिया है। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ी सी कुटी हुई अदरक। तो इसके अंदर अभी हम डालेंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, थोड़े से मसाले डालेंगे। एक छोटा चम्मच धनिया पाउडर है, आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला। थोड़ी देर इसको हम भून लेते हैं। तो इस सब्ज़ी के अंदर हम कोई भी ग्रेवी नहीं डाल रहे हैं। तो प्याज को हम थोड़ा सा पोटैटो मैशर से मैश कर लेते हैं। तो इस तरह से प्याज को दबाकर हमें थोड़ी देर मैश कर लेना है। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा ग्लास तक पानी डाल देंगे। तो पानी डालकर हम इसको थोड़ी देर पका लेते हैं। तो अभी इसके अंदर जाएगी पीसी हुई पनीर, जो हमें पनीर पीस के रखा था, इसको हम डाल देते हैं और थोड़ी देर इसे हम और पकाएंगे। साथ में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच तक नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। तो पनीर का जो हमने मिक्सर पीस के रखा था, उसको हमने डाल दिया है। अभी हम थोड़ी देर इसको और पकने देते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कोई भी ग्रेवी हमने नहीं डाला है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। तो ग्रेवी को हमने बाहर निकाल लिया है। तो ग्रेवी पकाते समय थोड़ी सी शुगर डाल दें, उससे टेस्ट बैलेंस हो जाता है, क्योंकि काफ़ी तीखी सब्ज़ी बनती है। तो अभी हमने कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दिया है। साथ में डाल देंगे थोड़ा सा बटर। इसके साथ डालेंगे थोड़ा सा तेल, ताकि बटर जले नहीं। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। जब तिल अच्छे से चटक जाएगा, आँच को हम धीमा कर देंगे। डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी। कसूरी मेथी को हम इस तरह से क्रश करते हुए डालेंगे। तो यहाँ पर हमने गैस की आँच को थोड़ा धीमा रखा है। अभी हम इसके अंदर पनीर डाल देते हैं। तो पनीर के पीसेस को हमने बटर के अंदर डाल दिया है। इसमें डाल देंगे अभी हम बारीक कटी हुई लाल मिर्च। तो इससे ना तीखी तीखी सब्ज़ी बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्ट अच्छा आता है। साथ में डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च। अभी इसके अंदर हम डालेंगे दो चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। तो इससे कलर बहुत अच्छा आता है। तो इस सब्ज़ी का नाम ही चिंगारी पनीर है। तो इसके अंदर मिर्च काफ़ी पड़ती है, तो देखने में काफ़ी अच्छी लगती है, बिल्कुल रेड रेड। अभी इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक। तो पनीर हमारा एक साइड से सिक गया है, इसको भी हम पलट देते हैं। तो पनीर को आप जब भी फ्राई करें तो थोड़ी देर एक साइड से पकने दें, तुरंत नहीं पलटे, नहीं तो पनीर टूट सकती है। तो एक साइड से हमारा पनीर पक चुका है, इसको हम पलट देते हैं। और हमें बहुत ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, नहीं तो पनीर हार्ड हो जाएगा और खाने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी हमारी काफ़ी गर्म है। इसके अंदर डाल देंगे हम थोड़ी सी ग्रेटेड चीज़। अगर आपको चीज़ नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चीज़ डालने से ये सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आप देख सकते हैं पनीर हमारी अच्छे से सिक चुकी है, बहुत ही अच्छा कलर आया है इसका। अभी इसको हम फटाफट ग्रेवी के अंदर डाल देते हैं।
सारे पनीर को हमें इसी तरह ग्रेवी में डाल देना है और बहुत ही जल्दी बन जाती है सब्जी। तो 5 मिनट में बनने वाली सब्जी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।